हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज व्यूवर्स, मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के देखने वाले हैं, तो देखते हैं आपके पर्सन के जो लेट नाइट थॉट है उसमें क्या कुछ चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हुए उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके मन में। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना भी हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तो व्यूवर्स, मैं शफलिंग कर रही हूँ जब तक आपको अपनी एनर्जी से अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट होना है। कैसे आपको उनके बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं आज रात, उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मदद करें, गाइड करें, क्या है इनके पार्टनर के मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। कंप्लेंसी, डेस्पेंडेंसी, यहाँ पे आता है एक्सपेंशन, और यहाँ पे हमारे पास है वैनिटी। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। बॉटम से हमारे पास आता है ग्रेटिट्यूड, और यहाँ से एनर्जी है कंप्लीशन की। तो व्यूवर्स, ओके व्यूवर्स, तो देखो राइट नाउ की एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि आपके पर्सन व्यूवर्स आज यहाँ पे रिपेंट वाली एनर्जी में, पछतावे की एनर्जी में है। अब ये पछतावा किस बात को लेके है? जो उन्होंने करना था वो तो उन्होंने किया, जो उन्होंने डिसाइड किया था वैसे ही वो प्लान्स लेके अपने चल रहे थे, एज पर प्लान वो अपनी लाइफ को लेके एग्जीक्यूट भी कर रहे थे। देन वाई ये पर्सन इतना परेशान क्यों है आज? तो व्यूअर्स, इस बात का जवाब यहाँ पे इस बात में नज़र आता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की एट प्रेजेंट में छोटी छोटी जो खुशियाँ थी उनकी तरफ ध्यान ना देके अपने लाइफ के किसी बड़े गोल की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, और ये सोचा कि जब मेरी लाइफ में वो होगा तब मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीऊँगा या जीऊँगी। ठीक है, और व्यूवर्स इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि ये कुछ बड़ा कुछ चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ऐसा जो कि जो प्रेजेंट से ज़्यादा बेहतर हो, जो प्रेजेंट से ज़्यादा अच्छा हो। और ये अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ थी जो आपके साथ में हो सकती हैं, रिलेशनशिप में हो सकती हैं, ये उनको फॉर ग्रांटेड करते चले जा रहे थे, लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रही थी, ये चले जा रहे थे। तो आज मैं व्यूवर्स देख रही हूँ कि ये दूसरों को जब देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि ये जो पीपल हैं, जो लोग हैं अपने इनके आसपास के, वो अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, और इनके पास में वो छोटी छोटी खुशियां ही नहीं हैं जिनको इन्होंने कभी फॉर ग्रांटेड लिया, जिनकी इन्होंने वैल्यू नहीं ली, जैसे कि लव, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, बैठ के बातचीत करना एक दूसरे के साथ में, अपने दुख सुख बांटना। ठीक है, और जो है उसके लिए कि ग्रेटिट्यूड यहाँ पे शो करना। व्यूअर्स, तो एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि जो था उसकी वैल्यू तो उन्होंने की नहीं, अब जो नहीं है उसको लेके ये रोते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। तो आप समझे इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि अब आपके पर्सन की आपको लेके और क्या फीलिंग्स हैं, ये और क्या फील कर रहे हैं आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के दिल में क्या फीलिंग्स हैं, वो इनको क्या महसूस, इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स। सबसे पहले देखो एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, जब मिथुन तुला एंड कुंभ राशि है, एंड व्यूअर्स हमारे पास अगेन मेसिंग धनु राशि की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास टॉरस की एनर्जी यहाँ पर आती है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपके लिए देखूंगी कि अब आपके पर्सन का जो माइंडसेट आपको लेके काफ़ी हद तक चेंज नज़र आ रहा है। ये आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, आपके साथ में एक फैमिली यहाँ पे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके साथ में जो एक जो ड्रीम थे जो इस पर्सन के व्यूअर्स कहते थे ना, आप दोनों ने मिलकर सजाए थे, लेकिन इस पर्सन ने उन चीज़ों पर वर्क ना करके, उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देके अदर आस्पेक्ट पे अपनी लाइफ के फोकस किया। आज व्यूअर्स उनको वही छोटे छोटे सपने, इनकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन सपने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स आज मैं देख रही हूँ इस पर्सन का जो फोकस है, इस पर्सन का जो
माइंड सेट है वो आपकी तरफ मुझे लौटता हुआ नज़र आता है, और ये पर्सन वीवर्स आपके साथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कोई पैचअप करना चाहते हैं या फिर रियूनियन करना चाहते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं। गिव अप की एनर्जी गाइज मैंने यहाँ पे इसलिए बोली क्योंकि ये पर्सन का वीवर्स यहाँ पे इंटेंशन ये नज़र आ रहा है कि अदरवाइज ये आपको स्टॉक एंड वॉच नहीं करते, ठीक है, ये आपको स्टॉक करें हैं, वॉच करें, इनको अपनी लाइफ में ये काफ़ी हर्ट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी वीवर्स कि इनको अब ये कनेक्शन को जैसे कि सेव करना है या फिर प्रोटेक्ट करना है या फिर इस कनेक्शन को लेके आगे लेके जाना है। तो कम्युनिकेशन कहूँगी व्यूवर्स, ये कम्युनिकेशन करने वाली एनर्जी है, ठीक है, क्लैरिटी में आने वाली एनर्जी है, आगे बात बढ़ाने वाली एनर्जी है, सक्सेस को लेके आगे चलने वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स एक ऐसी एनर्जी को यहाँ पर ये पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने इनके पास में सब कुछ था और सब कुछ पाके भी इस पर्सन ने सब कुछ अपना गंवा दिया, मतलब एक अचीवमेंट्स को अचीव करके। कहते हैं ना जब इंसान के पास में कुछ नहीं हो तो उसको मज़ा वो पता ही नहीं होता कि खुशियाँ होती क्या हैं, अपने लोग होते क्या हैं। और अब इसने कंपेयर कर रहे हैं व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन की वो क्या था और आप क्या है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स आपकी तरफ व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ में नई तरह से फीलिंग्स को यहाँ पे ये फील कर पा रहे हैं आपको लेके, लेकिन व्यूवर्स ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये खुद से नहीं ले पा रहे हैं, खुद से ही कहूँगी व्यूवर्स क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्रीज है इन्होंने खुद सेट करी हैं, ये खुद पे अपने आप को ऐसा फील करें क्या मैं ये सब चीज़ें जो मैंने मतलब गड़बड़ कर दी है, जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्या मैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, क्या ये कनेक्शन बैलेंस हो पाएगा, क्या मतलब सब चीज़ें मतलब आपका जो कह सकते हैं जो प्यार है, लव है, सपोर्ट है वो इनको मिल पाएगी, क्या आप इनको वो सब कुछ देंगे जो इनको चाहिए आपसे, ठीक है, क्या फिर इनकी ज़िंदगी में जो कमी है क्या वो इनको मिल पाएंगी, वो दूर हो पाएंगी। तो बस यहाँ पे एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि ये सोचने समझने की एनर्जी है कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, ओवर थिंकिंग एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको लेके बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते, पर समवेयर व्यूवर्स जैसे कि खुद को रोक रहे हैं किसी बात की वजह से, मे बी अपनी कमियों की वजह से जो उन्होंने आपके साथ में की हैं, ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपके कनेक्शन की वैल्यू को नहीं समझना, ठीक है। लेकिन आज व्यूवर्स इनको आपके कनेक्शन की वैल्यू यहाँ पे समझ में आ रही है, आज ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं व्यूवर्स इसी प्यार के लिए जिस प्यार की इन्होंने कभी कदर नहीं की, आज यही प्यार इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो व्यूवर्स इसकी वजह यहाँ पर यही है कि जब इनको दिखने लगा कि और लोग क्या है या फिर इनकी ज़िंदगी क्या है जैसे इन्होंने प्लान करी थी, तो एज़ पर प्लानिंग ज़िंदगी नहीं चलती है ना, ज़िंदगी तो चलती है कर्मास के बेस पे, ज़िंदगी चलती है आपके एफर्ट्स के बेस पे, जैसा कहते हैं ना बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो वही एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर करे हैं जिसकी वजह से इनको ऐसे फल अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यह है व्यूवर्स आपके लिए एनर्जी। और मैं एक बात और बता दूं व्यूवर्स, इस पर्सन की किसी के साथ में भी मतलब अपनी ज़िंदगी में नहीं बनती है, इनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ में इनकी अच्छी ट्यूनिंग हो या फिर जो इनको समझ सके। तो हर वक्त इनको अपनी ज़िंदगी में मन मुटाव, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ही झेलना पड़ रहा है। किस वजह से? अपनी ईगो की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने पैटर्न की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने काम करने के तरीके की वजह से, या फिर हर एक को ये समझना कि हर एक सिर्फ इनकी बात माने या फिर जैसा ये चाहे वैसा ही इंसान करे, तो ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है। सबके पास में ईश्वर ने अपना अपना दिमाग दिया है, सबको अपने अपने तरीके से फैसले लेने का अधिकार है। तो लेकिन ये सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं वही सही है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। तो इनकी जो मानसिकता ना व्यूवर्स, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं टूटी है। लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, नॉट एज़ पर आपके पर्सन की जो थिंकिंग है उसके हिसाब से। इसीलिए व्यूवर्स इनको समझ में आ रहा है कि आप जो थे ना वो इनके हिसाब से एडजस्ट होके चल रहे थे, ठीक है, या फिर इनके कंपैटिबल थे, इनकी बातों को, इनके गुस्से को भी बर्दाश्त कर लेते थे, सब कुछ हैंडल कर लेते थे। लेकिन आज इनके साथ में वैसा जस्ट अपोजिट हो रहा है, और जब अपोजिट हो रहा है तभी ये व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे इतना रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं कुछ और चैनल मैसेज आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चैनल मैसेज आपके लिए आपके पर्सन के क्या हैं आज रात के। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या है चैनल मैसेज इनके पार्टनर के इनके लिए। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, दुआएं मांग रहे हैं आपको वापस पाने की,
ईश्वर से, अपने यूनिवर्स से, जिस पे भी है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, किसी और के साथ में आपको देख के जेलस फील कर रहे हैं। और व्यूअर्स, इस वजह से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये है कि इन्होंने जब आपको देखा तो उनको और ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि यार हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ में बेहतर जी रहे हो, और इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो जिसकी ज़िंदगी जैसी होगी वो उसको उसके साथ में ही कंपेयर करेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, ये आपके साथ में अपनी होल लाइफ को यानी पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको खो चुके हैं। वाई यू चीटेड मी, तुमने मुझे चीटेड किया। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने इनको चीटेड किया है, आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इनको मतलब किसी और के साथ में कनेक्शन बना लिया, तो इसमें भी आपकी गलती है, ठीक है। तो समझ लो व्यूअर्स, आपके पर्सन का जो ईगो है ना वो बहुत हाई है, और ईगो की वजह से ये हर बार नुकसान उठाते हैं, और आज भी व्यूअर्स ये नुकसान उठा ही रहे हैं। तो इनके ईगो का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता, आई डोंट थिंक सो कोई इलाज हो पाएगा। रोते भी हैं, पछताते भी हैं, आपको लेके वापस से भी पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे व्यूअर्स एलिगेशन तो नज़र आ ही रहे हैं। हो सकता है व्यूअर्स आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके उन्होंने जिनको लेके ये रियल में ऐसा सोचते हैं, ये इनकी मानसिकता, हर एक की मानसिकता अलग अलग हो सकती है, क्योंकि देखो हर एक पर्सन का सोचने का नज़रिया अलग है। आप किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, किसी ना तो कहते हैं ना तो किसी की बोलते से जवान पकड़ी जाती है, ना किसी की आप सोच को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हाँ एक्शन को ज़रूर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है कि ये बॉल मतलब एक्शन कोई नहीं ले पा रहे हैं आपके, ना तो अगेंस्ट में ना ही आपके फेवर में, बस इसी वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। जो हमारे पास एनर्जी आई थी ना पॉज की, वो इसी वजह से आई थी कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके हाथों से निकल चुके हो, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग को व्यूअर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करिएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।